हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शुद्ध देसी घी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैं गाय के दूध से बनाऊँगी। आप किसी भी कोई भी दूध ले सकते हैं, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, जो भी आप यूज़ लेते हैं वो आप ले सकते हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से ये बनता है। फ्रेंड्स, अगर आज आपको घी की रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मलाई का करेंगे। मैंने हाफ के जी का मिल्क से मलाई दिखाऊंगी मैं आपको कैसे होती है। ये मलाई है हाफ के जी के दूध से, इतनी निकली है ये मलाई, दिखिए आपको। आप इसे किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, इससे क्या सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। चाहे पालक पनीर की हो, काजू करी की हो, मलाई कोफ्ता, कोई भी सब्जी ले सकते हैं हम, गार्निश के लिए ले सकते हैं। ऐसे ही करके मैंने 10-5 डेज की समथिंग मलाई है मेरे पास, कलेक्ट करनी है ऐसे ही आपको, वो मैंने करके रखी है। ये देखिए, मैंने ये 7-8 डेज से समथिंग मलाई कलेक्ट की है। इससे हम घी बनाएंगे आज। दिख रही है आपको, एकदम गाढ़ी गाढ़ी है। ऊपर से मलाई हटाते जाइए बस ये, और फ्रीजर में रख दीजिए आप इसको। अब इसे मैं गैस पे रखूंगी, इसे अब गर्म करेंगे। मैंने इसे गैस पे रख दिया है, इसे अब गर्म करते जाइए जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। अब ये धीरे धीरे होगी, इसमें 10 मिनट समथिंग लगेंगे। देखिए ये गर्म होने लगा है अब। देखिए, दिख रहा है दूध के जैसे हो रहा है धीरे धीरे। अब जैसे दूध बॉईल होता है वैसे ही ये बॉईल होगा। फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। बस इसको ऐसे बीच बीच में आपको चेक करना पड़ेगा कहीं चिपक ना रहा हो नीचे। मलाई को गर्म करने के लिए हमें जो बर्तन लेंगे हम, वो मोटे बॉटम का होना चाहिए, नहीं तो इसमें चिपक जाएगा। मैंने एल्यूमिनियम का लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई वगैरह, बस उसका बॉटम मोटा होना चाहिए। अब इसे धीमे आंच पे कर देंगे। कर दिया है मीडियम पे, अब चल रहा है। अब आप इसे रख के कुछ भी आप अपना काम कर सकते हैं, धीरे धीरे बनता रहेगा ये। ऐसा भी नहीं है खड़े रहना है आपको, बस मीडियम बनता रहेगा, आप कुछ भी अपना घर का काम कर सकते हैं। पहले ये दूध जैसा पतला हो गया था, अब ये देखिए गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। अब जल्दी ही अपना घी बन जाएगा। बस अब इसे हिलाते रहना है, चम्मच चलाते रहेगा। मीडियम फ्लेम पे ही रखना है इसको। अब घी बनना स्टार्ट हो चुका है, दिख रहा है। अभी इसे थोड़ा और टाइम लगेगा। देखिए ये घी खुशबू भी आने लग गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए अच्छी क्वांटिटी में घी निकलेगा इससे। ये देखिए घी, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है अभी भी। घी बन चुका है ये, अब इसे अपन छान लेंगे, जिससे मावा और घी दोनों अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे।
छानने के लिए मैं छलनी लूँगी और एक बर्तन लिया है मैंने, इसमें घी आ जाएगा। लिया है घी मैंने, छानने के बाद देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट घी बना है, येलो कलर का घी हुआ है क्योंकि ये गाय की मलाई से बनाया है। इससे मैं मावा भी बनाया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मावा जो निकला है, एकदम सॉफ्ट मावा बना है, कलर भी एकदम फ्रेश है, जिसे अपन खोया कह सकते हैं। ये मावा आप चाहे तो ऐसे ही बच्चों को खिला सकते हैं, या चीनी मिला के खिलाइए, या इससे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाइए। इस प्रकार मैंने आज आपको तीन चीज़ें बनना बता दिया है। फर्स्ट तो है मलाई, कैसे आप मलाई बना सकते हैं जिससे आप सब्जियों में यूज ले सकते हैं, उसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। एंड घी, घी आप मिलावटी घी से बचिए बाजार के, अपने घर फैमिली मेम्बर्स को बचाइए। एंड मावा, जिससे आप स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना सकते हैं, बच्चों को ऐसे ही आप खिला सकते हैं। इसमें चीनी मिला के खिला दीजिए, गुड़ मिला लीजिए, कैसे भी आप खिला सकते हैं, बच्चों को ज़रूर अच्छा लगेगा ये। अगर आपको ये सब अच्छा लगा, मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय।